और ऐसे में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कहते हैं कि हाफिज़ नईम के जो भी जायज़ खदशात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। तो आपको बताएं कि इन तमाम हालात में कि जब मेयर का इंतखाब होना है अभी और ये तय होना है कि कौन सी जमात का मेयर होगा, तो ऐसे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान से टेलीफोन पर रब्ता किया है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, ये बड़ा अहम रब्ता है, इस रब्ते के बाद आप समझते हैं कि मामला तय पा जाएंगे? देखिए, ये मामला तय पाने वाला नहीं है। ये रब्ता ये है कि जो एहतजाज कर रही है जमात इस्लामी आर ओ के दफातर के बाहर और हाफिज़ नईम रहमान साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, उस पर ये यकीन जारी कराई गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि हाफिज़ नईम के जो खदशात हैं, जो तहफ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। और मेयर के हवाले से हम समझते हैं कि ये वो रास्ता नहीं है और ना ही सिर्फ हुकूमत हवाले से इस पर इतफाक करती है कि मेयर के हवाले से रास्ता। इसके साथ साथ हाफिज़ नईम साहब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पर जो एतराजात हैं फॉर्म 11 और 12 के हवाले से, तो उसके लिए जमात इस्लामी को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए और वही इनके मसाइल हल कर सकता है। और हाफिज़ नईम को ये भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यकीन दहानी कराई है कि सिंध हुकूमत के हवाले से हाफिज़ साहब को जो तहफ़ुज़ात हैं उन्हें सिंध हुकूमत दूर करने के लिए तैयार है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका।